तो कैसे हो सब आप लोग। जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियो 4 महीने हो गए, मैंने वीडियो अब तक अपलोड की नहीं। ये मेरी पहली मतलब लास्ट 4वें महीने की आज पहली वीडियो है और पहली वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो ट्रैवल गाइड करके मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हम इंडेक्स पेज ओपन कर लिया हमने। जैसे ही हम इंडेक्स पेज ओपन कर रहे हैं, देखते जा रहे, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स ऐड कर लिए टेम्प। फिर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं फुटर में क्या क्या डाला है। अब अबाउट अस में देखेंगे, ये अबाउट अस पेज है और बस। और यहाँ पे साइन अप, साइन इन, सॉरी साइन इन हो गया। यहाँ पर अभी मैं मेरी मेल आईडी और पासवर्ड जो एडमिन लॉगिन रहेगा मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ पहले। और ये साइन अप पेज मैंने आपको दिखा दिया। चलो ठीक है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एज अ योर कस्टमर, जैसे आप कोई कस्टमर। ये सब वैलिडेशन से रिक्वायर्ड फील्ड है। साइन इन पेज, अब यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड डालकर मुझे एडमिन पैनल खोलना है। ठीक है, हमारे यहाँ 2 पैनल है, एक एडमिन पैनल और एक यूज़र पैनल। ये हमें वैलिडेशन का एरर आया। ठीक है, जो मेरी एडमिन की लॉगिन आईडी है मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका एडमिन पैनल, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर डैशबोर्ड, न्यू पैकेज, वी कस्टमर, वी फीडबैक, वी बुकिंग, यूज़र, व्यू यूज़र, माय प्रोफाइल, इतने ऑप्शन मिल जाते हैं। अब न्यू पैकेज मीन्स आपके आप कौन से डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका प्लेस नाम है, प्लेस नेम है, कितने अडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, उस प्लेस के डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट कितनी है मीन्स प्राइस कितना है, डेट डे कितना है, नाइट कितनी है, प्लेस की इमेज कितनी, प्लेस की इमेज कैसी है, मतलब ओवरऑल जो टूरिज्म प्लेस है उसका इमेज कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल फिल करते जाता हूँ। पेरिस दो, ठीक है, पेरिस की कुछ डिटेल मुझे चाहिए, मैं गूगल कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ डिटेल कॉपी कर ली। अब मैं इनमें से कॉमा निकाल लेता हूँ, रिप्लेस टू ऑल। मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ बस। अभी यहाँ पर अमाउंट आएगा, जितना भी आपको अमाउंट डालना है, बस इसमें पॉइंट नहीं डालना है आपको, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे एनवेयर के लिया है, इंटीजर यूज़ नहीं किया है, ना डबल यूज़ किया हुआ है इसके डेटा टाइप को मैंने। ठीक है, इसके डेज कितनी नाइट्स है, ये इंफॉर्मेशन हम यूज़र को व्यू करने के लिए रखेंगे। यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, सेम एज इट इज़, सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद मुझे एक पॉपअप मैसेज आ गया, न्यू पैकेज एडेड सक्सेसफुली। ओके, फिर मैं एक और पैकेज ऐड करूँगा। यहाँ पे मुझे प्रोफाइल है जहाँ से मैं डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल देख सकता हूँ, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ ठीक कर ली। अडल्ट सेम, चिल्ड्रन, डिस्क्रिप्शन। ओ, अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट। ओके, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कॉपी पेस्ट।
अभी बस और डिटेल ऐड करने जा रहा हूँ, ये बस। और अमेरिका एक और पैकेज ऐड कर दे सेम प्रोसेसर, क्योंकि जब हम डेटाबेस में ऐड करते तो उन्हें सब इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट में रहेगा, इसलिए मैं वहाँ से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। आपको नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या है। और आप लोगों में से बहुत जन सब्सक्राइब मतलब देख तो लेते हैं वीडियो, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पे इमेज ऐड कर दी है एक और अमेरिका, ये भी हो गया, ठीक है। मैं न्यू व्यू पैकेज कर लेता हूँ, मेरे कितने पैकेज है, गोवा ट्रिप, ठीक है, इसे मैंने पहले क्रिएट कर लिया था। और फिर ये रामचरण मिश्रा की आईडी से दो दिख रहे हैं, राजू की आईडी से एक, ठीक है। गोवा ट्रिप करके मैंने एक पैकेज ऐड कर लिया था डेवलपमेंट के टाइम पर। यहाँ पे ये सब फील्ड है, और यहाँ पे एक्शन बटन है, डिलीट और एडिट, एडिट और डिलीट बटन है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे मुझे नाइट 4 था, मुझे 5 करना है, और ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली। और वी पैकेज करके फिर से कौन से है, मुझे उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल डेटा सब मिल जाएगा एडमिन पैनल से। वी फीडबैक, क्या फीडबैक दे रहे, कौन किसने क्या क्या बुकिंग की, यूज़र्स, अगर इफ़ केस मुझे एडमिन के लिए एक और यूज़र ऐड करना है तो मैं यहाँ से यूज़र बना सकता हूँ, ठीक है। एडिट करके मैंने अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब अपडेट ऑप्शन माय प्रोफाइल को, ये बस मैं मेल आईडी नहीं कर सकता क्योंकि मेल आईडी यूनिक रहेगी। यहाँ से मैं लॉग आउट करके एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए, जैसे ये एडमिन पैनल और हम यूज़र पैनल अभी ओपन करेंगे। साइन इन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये सब है। माय प्रोफाइल चले गए, माय प्रोफाइल में जो हमने डेटा डाला हुआ था हमारे रजिस्ट्रेशन टाइम, वो सब डेटा आ जाएगा और उसे हम अपडेट कर लेंगे। फीडबैक, हमें कुछ फीडबैक देना है वेबसाइट को, कस्टमर को, या मींस एडमिन को, तो वहाँ से देखिए डेस्टिनेशन बुकिंग, अब डेस्टिनेशन पेज में जाते हैं, ये मेन पेज है हमारे वेबसाइट की। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन सी ट्रिप्स प्रोवाइड करती है द ट्रैवल गाइड, तो यहाँ से इन्होंने 3 है, यहाँ पे उन्होंने डेज दिए है, नाइट दिए है, तो मैंने अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट ऑप्शन है, अब मैं डेट बैकएंड का सिलेक्ट करूँगा तो ये होना नहीं चाहिए, मुझे एरर आना चाहिए, क्या इनवैलिड डेट इन फ्यूचर, तो मैंने गलत डेट सिलेक्ट की है क्योंकि मुझे प्रेजेंट डेट से आगे वाले डेट से जानी है, ठीक है। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मतलब मुझे आगे की डेट चाहिए तो मैं आगे की डेट डाल देता हूँ। नेम मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब राजू को नहीं जाना है, पूजा को जाना है, तो पूजा का नाम लिखकर मैं उनका डिटेल प्रोवाइड करवा दूँगा, उनका नंबर डाल दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक डिजिट कम डाला है, मीन्स ये यहाँ पे हम वैलिडेशन चेंज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर इनवैलिड, प्लीज़ चेक एंटर योर मोबाइल नंबर, ओके। मैंने एक 0 बढ़ा दिया, नंबर ठीक हो गया। सेम मेल आईडी का भी नहीं ले रहा है सबमिट बटन, अब मैं यहाँ पे @ डाल के फिर से इसे सबमिट कर दूँगा, ठीक है। इससे हमारी क्वेरी एडमिन तक पहुँच गई कि हमें क्या रिक्वायर्ड है और कितने बजे कौन से डेट को है, जिससे से एडमिन को पता चलेगा कि इस यूज़र ने इस समय पर बुकिंग की है और इन्हें यहाँ पर जाना है, ठीक है। यूज़र अपना देख सकता है कि उसने क्या बुकिंग की है और किसके नाम पर बुकिंग की है, सब पता चल जाएगा उन्हें भी। फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक भी दे सकते हैं, बेस्ट वेबसाइट डेवलप बाय RJ डेवलपर, ओके। ये मैंने डाल दी, सबमिट कर दी, यूअर क्वेरी सक्सेसफुली सेंड टू अवर कस्टमर सर्विस सेंटर, ओके। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे पहले कस्टमर वही है, बुकिंग चेक कर लेंगे। और फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिए, जो आपको वहाँ पर रेड और कॉर्नर में दिख रहे हैं। और इसी तरह हम और भी वेबसाइट और प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, php.net everything, बस आप कमेंट कर दीजिए या आप हमारे मेल आईडी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर होम पेज पर हम आ जाते हैं,
तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा आपको फील्ड बैक, मैं लॉगआउट करके आपको इंडेक्स पेज पे दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा होम पेज, यहाँ नहीं, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे फील्ड बैक जो हमारे कस्टमर ने या हमारे यूज़र्स ने डाला था, ठीक है, यहाँ के जस्ट नीचे टूरिस्ट फीडबैक, टूरिज्म फीडबैक, ओके। तो आपको कैसी लगी वेबसाइट ज़रा कमेंट करके बताइए और प्रोजेक्ट के लिए और रिगार्डिंग कीजिए। थैंक यू।